जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। महापुराण पर अगर पहली प्रदोष पर आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर, शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि पांच प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, सदानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए, देव अधिदेव माता पार्वती जी से कर देते हैं। सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहा है। हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है, अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए, प्रदोष के दिन शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार महाराज, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण ये जलाधार है, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है, राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है, शंकर भगवान को माँ अपने हस्त कमल पर रखी हुई है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी
जलाधारी से नीचे गिर रहा है। ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी, जिस कलश में आपने घर से 5-11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज, जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर ले। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है सब साथ। में कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती, 2 बाती रखना। चाहे तुम लंबी रख लो, चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ करो। दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ खजान में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।